गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुहब ऑनलाइन क्लासेज। आज हम 12th एजी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 टॉपिक गेहूं का तना छेदक का अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम वर्गीकरण, वर्गीकरण में सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम इनफेरेंस सिसेमिया इनफेरेंस सिसेमिया इनफेरेंस होता है। गण लेपिडोप्टेरा, गण लेपिडोप्टेरा, कुल नॉक्ट्यूडी। वर्गीकरण में सबसे पहले वैज्ञानिक नाम सिसेमिया इनफेरेंस, गण लेपिडोप्टेरा, कुल नॉक्ट्यूडी। इसका उपनाम गुलाबी सूंडी। गुलाबी सूंडी के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ है, कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर यह पाया जाता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश यूपी, मध्य प्रदेश एमपी, राजस्थान, बिहार आदि स्थानों पर यह पाया जाता है। इसके लक्षण, लक्षण में प्रोड जो होता है वो सफेद भूरे रंग का होता है। प्रोड या वयस्क जो है वो सफेद भूरे रंग का। इसकी लंबाई जो है वो 10 से 12 एमएम होती है, 10 से 12 एमएम होती है। पंख विस्तार, इसका पंख विस्तार जो है वो 20 से 18 से 20 एमएम सॉरी 18 से 20 एमएम होती है। पोषक पौधे, कौन कौन से पौधों से पोषण प्राप्त करता है, उसमें मुख्य रूप से यहां से गेहूं धान जौ ज्वार गन्ना, और रागी आदि पौधों से ये पोषण प्राप्त करता है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं और धान इसको नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्षति और महत्व, नेक्स्ट पॉइंट जो है क्षति और महत्व, हानिकारक जो अवस्था होती है इसकी, हानिकारक अवस्था वो सूंडी अवस्था होती है। सबसे अधिक हानिकारक है जो गेहूं के तने के अंदर प्रवेश कर उसको नुकसान पहुंचाती है और सर्वाधिक प्रभावित करती है। इसमें सूंडी जो अवस्था होती है तने के अंदर प्रवेश कर क्षतिग्रस्त कर देती है, जिससे प्रारंभिक अवस्था में मध्य कलिका जो होती है, तने की मध्य कलिका ये सूख जाती है, सूख कर मृत गोब में बदल जाती है, डेड हार्ट में चेंज हो जाती है। जब ये सूखती है, तना जो है वो यहां से सूखेगा, सूखने के बाद में नीचे से जाने वाले जितना भी पदार्थ है, जल है और खनिज लवण जो है वो आगे तक सर्व नहीं हो पाते। इस वजह से इस पर आने वाली जो बालियां होती हैं वो सूख जाती हैं और इनमें दानों का निर्माण नहीं होता, दाने इसमें नहीं गिरते हैं। यह कीट गन्ने की फसल पर, गन्ने की जो फसल होती है उसके ऊपर अप्रैल से जुलाई,
अप्रैल टू जुलाई तक सक्रिय रहता है। और गेहूं की जो फसल होती है उसके ऊपर, गेहूं जो है उसके ऊपर जुलाई से अक्टूबर, जुलाई टू अक्टूबर तक सक्रिय रहता है। तो इस प्रकार से जो आज का टॉपिक है गेहूं का तना छेदक, उसमें वर्गीकरण, इसका उपनाम, लक्षण, पोषक पौधे, क्षति और महत्व, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।